अरे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं एक सौ छप्पन नंबर कोड है आपका विषय कोड और सात मुद्रित प्रश्नों की संख्या है इसमें और लेखा शास्त्र का ये पेपर है काफी वो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन देखेंगे निर्देश आपको सभी को पता है कि दस भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मैंने आपको अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करके दे दिया है आप लोगों ने देख लिया होगा नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे संभावनाएं हैं कि वहां से आपके एग्जाम में प्रकट होंगे और कुछ आपके एग्जाम में यहाँ से आपको देखो मिलेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपका ख्याति का प्रश्न कब उठता है आप सभी को अच्छी तरह से पता है ख्याति का प्रश्न कब उठता है सभी परिस्थितियों में है ना तो यहाँ पे आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अलावा जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया साझेदारी अधिनियम लागू हुआ साझेदारी अधिनियम कब लागू किया गया था यह भी आपको अच्छी तरह से पता होगा 1932 में लागू किया गया था ऑब्वियस सी बात है यह भी आपको अच्छी तरह से पता है तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस देख लें फटाफट साझेदारी में सामान्य सदस्यों का दायित्व कैसा होता है साझेदारी में सामान्य सदस्यों का दायित्व क्या होता है या कैसा होता है इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं वसूली खाता कैसा होता है तो वसूली खाता आप जानते हैं कैसा होता है नाम मात्र होता है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है <kans'> तो निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम बतानी है कम से कम बतानी है उसके बाद यदि किसी कंपनी में पंद्रह प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास है तो वह कंपनी क्या कहलाएगी और इसके बाद सातवा जो प्रश्न है सार्वजनिक सुरक्षित ऋण पत्र कौन सा होता है आपसे पूछा गया है इसके बाद जो है आठवां प्रश्न चालू दायित्व के भुगतान की अधिकता अवधि है अधिकतम अवधि बोला गया है कितनी होती है चालू भुगतान की आपको अच्छी तरह से पता है और हास क्या है एक व्यय है प्रावधान या है या आय है ये आपको बताना है अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है पेशेवर व्यक्ति अपने आय व्यय का हिसाब रखते हैं इसमें रखते हैं आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं इसमें से सेलेक्ट करना है आपकी तैयारी आपके सामने है कि कैसी कर रखी है और क्वेश्चंस आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दो अंकीय प्रश्न सबसे पहला पूछा गया है का आशय क्या है ये आपको बताना है उसके है उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया साझेदारी के विघटन से क्या आशय होता है ये बताना है त्याग अनुपात की गणना क्यों की जाती है ये आपको बताना है संचित लाभ किसे कहते हैं ये क्वेश्चन है आपका कंपनी की परिभाषा क्या हो सकती है ये बताना है सभी क्वेश्चंस में करवा चुका हूं और यहाँ पर जो है आपको बताना है अधि लाभांश अंश किसे कहते हैं बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लाभांश कोष क्या होता है ये आपको बताना है और नेक्स्ट जो है इसमें प्रतिभूतियों का आज से आपको स्पष्ट कर देना है कि ये क्या होते हैं उसके बाद जो है साझेदारी संलेखन से आप क्या समझते हैं या संलेख से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है इसके बाद लघुत्तरीय जो प्रश्न है पांच अंकीय प्रश्न इसमें देखिए स्थाई पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में आपको अंतर स्पष्ट कर देना है इसके बाद अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की दे राशि की गणना की विधि जो है स्पष्ट करनी है कैसे आप उसकी जो है गणना करते हैं उसके अलावा है साझेदारी विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर बताना है साझेदारी विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर बताना है और कंपनी के पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री आपको लिखनी है और उसके बाद में है आपका अनुपात विश्लेषण के महत्व का वर्णन आपको कर देना है इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे ब्याज व लाभांश में अंतर क्या होता है यह आपको बताना है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है निम्नांकित विवरण से इकतीस मार्च दो को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हाथरस क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि आपको इनपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना है ठीक है और साथ ही साथ आपको जो है प्राप्ति भी बतानी है देखो आय और व्यय खाता तो बनाना ही है इसने बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपको बनाना ही है प्राप्ति और भुगतान खाता भी बनाना है तो दोनों ही बनाने हैं और डेट आपके सामने है सारे के सारे मैंशन्स हैं हाथ में रोकड़ जो है उसके विवरण दिया गया है जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं ये सामने इसमें इसके विवरण है इसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ नोट रिसीव हुआ उसके बाद जो है इसके विवरण यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने और इसके बाद है मुद्रण एवं लेखन सामग्री जो है उसके हिसाब से यहाँ पे विवरण दिए गए ठीक है दस अंक का प्रश्न रहेगा ये और इसको आपको सॉल्व करना है बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये और मैंने इसको सॉल्व भी किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखिए सत्ताईस नंबर क्वेश्चन प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर स्पष्ट करना है दोनों में अंतर स्पष्ट करना है ठीक है और आपका जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय वाय खाता कैसे बनाते हैं उसको स्पष्ट करना था तो वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है सारे मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना केवल इसी चैनल पे अवेलेबल है आपको बहुत बार बता चुका हूं हर वीडियो में बताता हूं यहाँ पर नेक्स्ट है मेरठ कॉटन मिल ने जो है बीस अंश दस वाले का निर्गमन निम्नलिखित सरगतों पर किया है इसमें आवंटन पर दिया गया है आवेदन पर दिया गया है प्रथम याचना पर दिया गया है ठीक है शेष अंतिम याचना पर दे इसके बाद सारी डिटेल आपके सामने है आपको सीधे सीधे जनरल में लेखे कीजिए और अंश पर पूर्व पूर्व राशि प्राप्त हो गई है ये भी इसमें दिया गया कंडीशन ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है दस मार्क्स का यह क्वेश्चन है इससे ऊपर वाला भी दस मार्क्स का क्वेश्चन है इसके अथवा पार्ट में जो दिया गया ऋण पत्र भुगतान की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करना है ऋण पत्र भुगतान करते हैं तो उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं ये भी आपको करना है मॉडल पेपर मैंने सब कुछ कराया हुआ है अमर एवं आकार एक फर्म में साझेदार थे ठीक है और उनकी जो है कुछ यहाँ पर दे रखी है दायित्व तो दे रखा है रकम दे रखा है संपत्ति दे रखी है फिर रकम दे रखा है ठीक है और जो है आपको यहाँ पर कुछ उनके निर्देश दिया गया है प्रवेश दिया गया है जो आपने इन्होंने आदर्श को शर्तों पे जो प्रवेश किया था उसकी कुछ शर्तें दी गई हैं और इस शर्तों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे शर्तें हैं अब आपको जो है फर्म का क्या है पूर्ण मूल्यांकन खाता रेवोल्यूशन अकाउंट जो है आपको बताना है साझेदारों का पूर्ण खाता और साथ ही पूंजी खाता तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है तो ये दस नंबर का क्वेश्चन है आपका इसके अथवा पार्ट में जो दिया गया है क्वेश्चन साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया को आपको समझाना है साझेदारी फर्म जब विघटन होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है ये समझाना है आपको इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर जो है आपको विनिर्माण कंपनी का संचालन से कुल आगम यानी इनकम की गणना करनी है आपको जो यहाँ पर डिटेल्स आपको दी गई है इसके अथवा पार्ट में जो है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आपको जो है एवीसी लिमिटेड कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाना है दस अंकीय प्रश्न है सारे के सारे ध्यान रखना है यहां पर ख्याति दे रखी है अंतिम देनदार विनियोग बैंक सामान्य ये प्राय सब कुछ दे रखा है आपको आपके सामने है क्वेश्चन तो इसका आपको आंसर निकालना है इसके इसमें समायोजन भी दे रखी हैं कौन कौन सी समायोजना करनी है आपको तो यहाँ पे बता रखा है इसने ठीक है तो ये आपका इस तरह का प्रश्न पत्र है जो काफी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपने इस प्रश्न पत्र को देख लिया है तो आपको पता होगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी होगा आपको आइडिया मिल चुका होगा प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है जिसमें सभी कुछ अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं